डीजल की प्रतिदिन बढ़ते हुए दाम है। आज 72 रुपये लीटर प्रति लीटर डीजल का रेट हो गया है। बसें बाइबल नहीं है, बसों का खर्चा ज़्यादा हो गया और आमदन कम है, जिसको लेकर पिछले 8 महीने से हम प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। बार बार मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मिले हैं, अन्य मंत्रियों से मिले हैं, हमारे को हमेशा आश्वासन मिला है। हमने घुमारवीं में बैठक रखी और 21 जून की हड़ताल का निर्णय लिया। हमें मुख्यमंत्री महोदय ने शिमला बुलाया और उन्होंने कहा कि आपकी समस्या गंभीर है, जल्द ही आपकी समस्या पर हम फैसला लेंगे और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो ये हड़ताल है इसे वापस लें। हमने प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी बातों पर विश्वास किया, उनके आश्वासन पर विश्वास किया और हमने हड़ताल को वापस ले लिया। अब जून से लेकर सितंबर आ गया, हमारी बात का कोई जवाब नहीं आया और अब पिछले 15 दिन से रोज़ 15 पैसे 20 पैसे लीटर डीजल बढ़ रहा है। 26 तारीख को 64 रुपये था और आज 73 रुपये 42 पैसे हो गया। इस स्पीड से डीजल बढ़ रहा है कि लोग बहुत मजबूर हो गए हैं। हम जो है प्रदेश में अव्यवस्था नहीं चाहते थे, हड़ताल नहीं चाहते थे, हम ये नहीं चाहते थे कि बसें खड़े होने के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। अब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है, हमारी मजबूरी है कि हमारे बहुत से बस ऑपरेटर जो है आत्महत्या करने तक मजबूर होते जा रहे हैं। हम मजबूर हैं कि महंगा डीजल लेके सस्ती परिवहन सुविधा हम नहीं दे सकते। सरकार इस पर तत्काल फैसला ले। हम 50% किराए में बढ़ोतरी चाहते हैं और न्यूनतम किराया जो हमारे आसपास के प्रदेश है उनमें 10 रुपये है, जबकि वो मैदानी है, हमारा 10 से भी अधिक होना चाहिए। पर कम से कम प्रदेश सरकार पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड के माफक 10 रुपये न्यूनतम बस किराया करे और जो हमारे अनैतिक तरीके से बसों के ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया हुआ है वो तत्काल प्रभाव से वापस ले। हम इन दो ज्वलनशील मुद्दों को लेकर 10 तारीख को 9 तारीख रात 12 बजे के बाद प्रदेश में निजी बसों का चक्के जाम हो जाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बसों को अपने अपने स्थान पे खड़ी रखेंगे। हमने कोई ऐसा आह्वान नहीं किया है कि हम सड़कें रुकेंगे, बस स्टैंड रुकेंगे। हम कानून के दायरे में रह के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उसके बाद अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें अमरण अनशन पर प्रदेश के सचिवालय के बाहर बैठने के लिए मजबूर होगा, वो भी बैठेंगे क्योंकि बसें चलाकर भी हमें कुछ नहीं बच रहा, तो हम करें क्या।